अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मेरी हर इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज हम आपको शहर मखदूमपुर पहोड़ा की चंद मकामात जो तारीखी हैं आपको दिखाने वाले हैं। ये व्लॉग स्पेशल मखदूमपुर पहोड़ा के ऊपर बनाया जा रहा है। पंजाब का सबसे खूबसूरत शहर मखदूमपुर पहोड़ा। आज हम ये पहले नंबर पे तो आपको रेलवे स्टेशन वो दिखाने वाले हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं रेलवे स्टेशन, फिर तारीखी मकामात छोटे मोटे कोई हैं तो वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये मखदूमपुर पहोड़ा का रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहे हैं। ये टिकट घर, ट्रेन यहाँ पे आती जाती कोई नहीं है। वैसे पहले आती थी एक सांदल एक्सप्रेस, आजकल वो भी बंद है, जिसको धमाके के नाम से जानते हैं। ये मनाजिर है, ये मखदूमपुर पहोड़ा, ये सन 1900 में ये तैयार हुआ है। हाँ जी फुल्लू साहब, आप भी कुछ फरमाना पसंद करेंगे? आप हमारे मखदूमपुर के आज विजिट करेंगे जो मशहूर यहाँ पर जगह है। बस इसकी फोटो बना देते रहो। ये मखदूमपुर पहोड़ा का बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो ये सिखों के दौर का जो है ना गुरुद्वारा था, जो है अब हायर सेकेंडरी स्कूल के जो है ना नाम से जाना जाता है। आज हम आपको इसकी भी जो है ना ज़्यारत कराएंगे। तो ये गुरु नानक का जब मेला लगता है तो हज़ारों की तादाद में सिख यात्री इसकी ज़्यारत के लिए आते हैं। और ये बंटवारे के वक्त 1947 में जो है ना मखदूमपुर का एक हिस्सा बना। ये देखें, आइए आपको दिखाते हैं।
शहजादा मंजर यूसुफ है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मखदूमपुर पहोड़ा। ये मैं 89 के अंदर इस स्कूल के अंदर बतौर एसएस आया था और आज प्रिंसिपल हूँ और मुझे 27 साल इसी जगह पे हो गए हैं। इसी गुरुद्वारे के इर्द गिर्द मुझे अपनी बच्चों को तालीम देने का इत्तेफाक हुआ है और इसकी हमने कोई ख़ास मुरम्मत नहीं की, ये अपनी ओरिजिनल हालत में है और यहाँ पे बच्चों की तादाद जो है वो नियर अबाउट हायर सेकेंडरी स्कूल मिला के 1000 तक है। और सिख भाइयों से ये है कि उनका ये गुरुद्वारा है, कुछ लोग ये आते भी हैं जब ननकाना साहब का मेला लगता है, वो अपनी बिल्डिंग को दीदार करने के लिए आते हैं, उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो अपनी दरसगाह को देख के, अपनी इबादतगाह को देख के बहुत खुश होते हैं।